जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी, आज फिर एक जवान अमित सिंह सहायक प्रथा की भेंट चढ़ गया। एक कर्नल के घर पर सहायक था और बड़ी विडंबना की बात है कि कर्नल की मैडम ने उसके वीडियो बनाए हैं। इसके पीछे क्या है वो तो आप वीडियो में देखोगे क्या सच्चाई है, लेकिन जवान की रिकॉर्डिंग है जिसमें बताया है कि मैडम ने मुझे धमकी दी है कि मैंने तेरी वीडियो बनाई है और तूने देखो जी सोमवार चाहे मंगलवार फोन आया उसकी मम्मी दी भाई जो मैडम को मैं बॉडी हाँ वो मैडम ने राती मी 9:30 बजे बुलाया है साढ़े 9 बजे बुलाया इन्हें कहा मैम क्या हो गया मैडम ने कोई जवाब दिता कि पर्दा ठीक करना पर्दा खोलना है मेरे को यकीन है कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है ऐशो आराम करता था लेकिन उसका ऐसा औरत के चक्कर में नहीं है उसका कोई भी है ये नहीं गया ये तो मैडम ने बोला मैं तेरी वीडियो बनाकर भेज दूंगी तेरे को मैं छोड़ूंगी तेरे को मैडम ने इसने मम्मी को फ़ोन किया मम्मी ने बोला ऐसा कि मैडम बहुत ख़राब होती है तू बदरी करा ले झुंड में चले जा इसने झुंड में फ़ोन किया झुंड बोलने कोई एक्शन लिया बदली करने का मेरे को चाचा जी मेरे को न्याय दिलाना मेरे को न्याय दिलाना कि मैं अगर झुंड में जाता हूँ मेरे को मैडम मुरा देगी और पता नहीं क्या हुआ उसके साथ क्या नहीं हुआ मैं यही अपने डिफेंस मिनिस्टर से आग्रह करता हूँ कि हमारे को न्याय दिया कमेटी बैठाई जाए और CBI इंक्वायरी हो जाए हमें पैसा नहीं चाहिए हमें पैसा 1 रुपया नहीं उसका चाहिए ना ही हम लेंगे उसके जुंट ने CEO ने जहां तक मेरे को खबर मिली है जुंट का CEO उसने बॉडी डेड बॉडी उसकी रिसीव करने से मना कर दिया है अभी जो अभी मेरे को फोन आया किसी का स्ट्राइक कराने वाला जनरल है जिसने सब जगह स्ट्राइक कराई थी ना वो उसे प्राइज ले रहा है देखो जो स्ट्राइक हुई थी उसमें जो साहब थे ये उनका फोटो है उससे उसने मेडल लिया हुआ है की करा नहीं गल की पूरी गल सुना गल कख नी मैडम ने बोले मैं तेरी कोई वीडियो बनाई दी हिंदी करना मैं मैम साहब ने बोला कि मेरे घर से 20 बोतल पता नहीं कितनी 10 बोतल दारू चोरी हुई 1 kg बादाम चोरी हुई 1/2 kg जूस चोरी हुआ है मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की हुई है अच्छा रिकॉर्डिंग की है ना ठीक हाँ जी हाँ जी बोले वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है तो ऐसी ऐसी बात है और मैडम ने कुछ कैंप में उल्टा सीधा बता दिया सर मैं कैंप के बाहर हूँ चाचा जी तो मैं अभी जा रहा हूँ यूनिट में अच्छा गाड़ी स्पेशल की हुई इधर से निकल गया हूँ यूनिट का रास्ता इधर से 3 घंटे का अच्छा तो मैं निकल गया यूनिट के लिए और सेठी साहब ने बोला था अगर तू यूनिट के लिए निकल गया तो यूनिट में आ जा अच्छा बोला टेंशन नहीं ले आई कार्ड तेरा सेफ है आई कार्ड जो सीनियर थे अपने उन्होंने बैग की तलाशी की तो आई कार्ड उनके पास है अच्छा हाँ जी हाँ जी सर अभी बताओ सर नहीं मतलब तू पहला गल आपने बात पहले अपनी मम्मा से की थी सर मैंने मम्मा से बात की थी 9 तारीख की मैंने पहले आपको कॉल की थी 9 तारीख को हाँ 9 तारीख को आपको कॉल की थी मैंने बोला ऐसी ऐसी मेरे को प्रॉब्लम मेरे को पट्टी मेरे से नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कोर्स वगैरह की हुआ मैं कोर्स में खत्म हो गया था हाँ तो मैंने आपको बताया तो था कि मेरे से बड्डी वगैरह नहीं हो रही क्योंकि मैं बड्डी हूँ मेरे को पता हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी दूसरी बात है कि अर्जेंट से तूने कब बात की थी मेरे को बदली करो मैंने अर्जेंट से अभी अर्जेंट साहब का 5 मिनट पहले फोन आया था उन्होंने बोला बदली कर दे तो टेंशन ले अमित बोला कहीं ना कहीं सेफ पहुंच बोला कहीं यूनिट में अटैच हो कहीं कि मैडम ने मुझे धमकी दी है कि मैंने तेरी वीडियो बनाई है और तूने 15 से 20 बोतलें दारू चुराई 1 kg बादाम और 1/2 kg जूस चुरा लिया ये आरोप लगाया है जवान पर और एक छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया जा रहा है पहले तो मैं चाहता हूं कि एक आप ऑडियो सुने जवान की जिसमें जवान खुद कह रहा है जब उसकी जवान की शिकायत कैंप में होती है कर्नल की वाइफ जो कि इंटेलिजेंस के कर्नल बताए जा रहे हैं और ये जवान जैकलाई का था कैंप में इसकी शिकायत होती है और इसको मारने की धमकी दी जाती है वहां से जवान कैंप से भागता है एक वैगनार गाड़ी करता है अपनी यूनिट में सूचना देता है कि साहब ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है और मुझे जान से मार देगा वो कर्नल साहब
तो यूनिट के एडजुटेंट कहते हैं कि तू किसी भी तरह भागकर अपनी यूनिट में आ जा। तो बंदा वहां से निकला है, 3 घंटे की जर्निंग में यूनिट में नहीं पहुंचा, वहां से 150 किलोमीटर चल चुका बंदा और मात्र 2 किलोमीटर यूनिट रहेगी। वहां अब उसको दिखा दिया गया कि बंदे ने सुसाइड कर लिया। बड़ी विडंबना है, जो बंदा 150 किलोमीटर आ गया, जिस बंदे ने अपने घर वालों को बता दिया, उनकी रिकॉर्डिंग उनके चाचा जी के साथ उसकी बात हुई है, उससे यानी ठीक आज से 8 दिन पहले 9 तारीख को अपनी माता जी को बता दिया था कि मैडम मेरे साथ कुछ गलत करना चाहती है। और यहां तक कि उसके पिताजी रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं कि रात को 9 बजे उसको बुलाया गया कि पर्दे ठीक करने हैं, क्या इरादा था, और फिर उसको धमकियां देना कि तेरा वीडियो ये करेंगे, तेरे को मरवाएंगे। मैं फिर कहता हूं कि ये पहला केस नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्स में, सेना में हजारों जवान जो दुश्मन की गोलियों से नहीं, हमारे ही अधिकारियों के अत्याचार अन्याय से इस तरह अपनी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। बहुत से जवान नौकरी छोड़कर आ जाते हैं भागकर, बहुत से जवान इस तरह मौत को गले लगा लेते हैं, और बहुत से अपनी वर्दी का जमीर और अपना मन मारकर और मुश्किल से मजबूरियों में नौकरी करके आते हैं। उन सबके दोषी कौन हैं? ये अफसर तो दोषी हैं ही हैं, जो आज भी इस युग में इतनी पेमेंट होने के बावजूद ये सिविल सर्वेंट नहीं रखेंगे, दिखाएंगे कि हमें तो आर्मी ऑर्डर में ऑथराइज है, सरकार को दिखा देंगे बड्डी बहुत जरूरी है, जो कि सिर्फ कर्नल एंड अबव को एक बड्डी लागू है, वो भी सिर्फ कर्नल साहब को अफसर के लिए, ना कि किसी के मैम साहब के लिए, ना कि उसके घर के लिए। लेकिन आज भी हजारों जवान आप कैंट के आसपास देख सकते हो, कोई जवान कुत्ता घुमा रहा है, कोई मैडमों के बच्चों को खिला रहा है, कोई स्कूल छोड़ रहा है, कोई दूध लेकर आ रहा है, कोई सब्जियां ला रहा है, कोई इनके घरों में झाड़ू पोछा मार रहा है, लेकिन ना हिंदुस्तान की सरकार को ना किसी को दिखाई देता है। और खासकर सबसे ज्यादा दोषी मैं हमारे जैसे पूर्व सैनिकों को मानता हूँ, क्योंकि अंदर जो सैनिक हैं बेल्ट फोर्स से बंधे हुए हैं, ऐसे ऐसे नियम कानून हैं कि वो मजबूरी में मुंह नहीं खोलते। जैसा कि अब इनके पिताजी कह रहे हैं कि वहाँ रिश्तेदार तक हैं इनकी यूनिट में, इनके सगी बांझी का लड़का है, गांव के लड़के हैं, कोई फोन तक नहीं उठा रहा, क्या हुआ है। यूनिट वालों ने पोस्टमार्टम कराने के बाद सूचना दी है कि आपका लड़का खत्म हो गया, जबकि वहां से चलने के बाद क्या हुआ उसके साथ घरवालों को सूचना क्यों नहीं दी गई। सीओ ने पहले तो बोल दिया कि हम डेड बॉडी ही नहीं लेंगे, जब कोई मेडल लेता है जवान, कोई आतंकवादी को मार देता है जवान, तब तो तुम खड़े होकर फोटो खिंचा लेते हो, यूनिट के लिए साइटेशन मांगते हो, अपने लिए मेडल मांगते हो, और ऐसा जवान के साथ हादसा हुआ है, क्या ये वहां से भागकर रास्ते में इसको मारा गया है, यूनिट ने मरवाया है, या इंटेलिजेंस के कर्नल ने मरवाया है, या कोई और खेल हुआ है, इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन उस यूनिट के CO ने ये शब्द कैसे बोल दिए कि मैं डेड बॉडी नहीं लूंगा। जब एक जवान अच्छा काम करता है तो साइटेशन और मेडल क्यों मांगते हो, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों पर। अगर इतना ही जमीर जिंदा था तो क्यों आज भी तुम्हारे यूनिट से जो चले गए उन अधिकारियों तक क्यों भेजा आपने जवानों को। आपने देखा नहीं आपका जवान जब अर्जुनेंट को कॉल करके बता रहा था मेरी बदली कर दो, अपने घर में बताया, यूनिट में बताया, क्यों नहीं बदली हुई। वो कह रहा है कि मेरे को बड्डी पसंद नहीं है। लेकिन ये अंधी बहरी न सरकार सुनती है, न अफसर सुनते हैं, क्योंकि इन्हें तो फ्री का नौकर चाहिए, और खासकर हमारे पूर्व सैनिक, उन्हें सिर्फ ORP चाहिए, वन पेंशन का फायदा चाहिए, पेंशन बढ़ा दो, आधे तो खुशी है इसी में कि बोर्ड पुलिस करा लो, कच्छा दुला दो, चाहे कुछ भी करवा लो, पोटी साफ करवा लो, लेकिन बस पेंशन बढ़ा दो। तो उन मूर्खों से तो कहना क्या चाहता हूँ, लेकिन मैंने कई बार कहा है कि इस तरह जिस दिन तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारे भाई की, तुम्हारे सगी संबंधियों की जिस दिन डेड बॉडी यहाँ पहुँचेगी ना, आपके सामने होगी, उस दिन आपकी धरती हिल जाएगी, उस दिन ये पैसा काम नहीं आएगा। मैंने बहुत बार कहा है कि लड़ाई लड़ो ये सम्मान की, लड़ाई लड़ो अपने हकों की। जब तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा रिस्पेक्ट होगा ना, तो ये ORP, डिसेबिलिटी,
बोलते ना जवान का हाथ कट गया तो अलग, और उसका हाथ अफसर का कटता है तो उसको ज्यादा मिलता है, क्योंकि तुम्हारी इज्जत ही इतनी, रिस्पेक्ट इतनी है, और उसके जिम्मेवार तुम खुद हो। मैं पिछले 5 सालों से लगातार मैंने 3 बार दिल्ली में धरना दिया, सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचाया, लेकिन कितने लोग वहां आंदोलन के, आज आरोपी के लिए बोल दो हजारों सैनिक पहुंच जाते हैं, क्यों, पैसा बढ़ना है। लेकिन इस अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोले यार मैं तो आ गया, मेरे को क्या करना है। मैं फिर कह रहा हूं कि जिस दिन तुम्हारे सगे संबंधी, क्योंकि अभी भी तुम 4 साल की नौकरी आ गई, बर्बाद कर दिया गया सेना को, तब भी बच्चों को भेज रहे हो, क्योंकि हिंदुस्तान में मजबूरियां हैं, लेकिन हम सैनिक तो मजबूर नहीं हैं। 30,000, 40,000, 50,000 पेंशन ले रहे हो, लड़ सकते हो इस सिस्टम के खिलाफ। और उन लूटी जवानों को भी कहना चाहता हूँ, अरे जो सच्चाई है बताना चाहिए ना आदमी, खुद का फोन बंद हो जाए, हमारे पास भी तो किसी न किसी तरह सूचना भेजता है, किसी का जमीर जिंदा होता है तो, हालांकि लेट पता चलता है हमें। मैंने कहा कि कम से कम ये वीडियो हर यूनिट तक मेरा नंबर मैं हमेशा देता हूँ, आज फिर दे रहा हूँ, ये नंबर है मेरा 8290335 13 8290355 13। अरे अगर कोई भी ऐसी समस्या आती है, आपको कोई ऐसी मरने वाली नौबत आती है या कोई मार रहा है, एक बार सूचना दे दो, फिर देखो आपका भाई उस अफसर की कैसे खाट खड़ी करता है, चाहे वो जर्नल ही क्यों ना हो। बहुत से कर्नलों को सुधारा है, ठीक है, गलत करता है तो गलत करने वाले के पाँव नहीं होते, अगर हम उसको इसमें मीडिया में इन चीज़ों में हाईलाइट करेंगे सड़े का वो हिल जाएगा। लेकिन ऑन ड्यूटी वाले भाई भी कहते हैं कि हमें तो सर दबाव है, आपका वीडियो नहीं दिखाया जाता ना, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इतना डरोगे ना तो एक दिन आपका भी नंबर आएगा। मैंने कभी किसी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी, मैं सिर्फ यही लड़ाई लड़ता हूँ, और उसके लिए भी आपको बोलते हैं कि भाई चैनल को बढ़ाओ, जुड़ो इससे, अपने परिवारों को जोड़ो। तब तक तो सिर्फ हंसी मजाक में टाल देते हैं, कहते ज़रूर हैं सर हम आपके वीडियो देखते हैं, लेकिन वीडियो को शेयर, जब तक आप लोग शेयर नहीं करोगे, कैसे पहले हमारे लाखों में वीडियो जाते थे, क्यों, जुनून था लोगों में। लेकिन आज बोलते हैं पढ़ी लिखी फौज आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी फौज का ध्यान नहीं, जिस दिन घटना घटती जब ध्यान जाता है। आज पढ़ी लिखी फौज है, मैं कहता हूँ कि ट्विटर वगैरह में हर जगह इन सोशल साइटों का जब भी, अरे अगर आदमी करना चाहिए ना, अपने किसी भी नंबर से, दूसरे नंबर से, तीसरे नंबर से इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकता है, इन चीज़ों को हमारे तक कम से कम भेज दो, ताकि किसी जवान की हम जान बचाएं। जो जो भी ऐसी कहानी में हमारे पास पहुंचे, हमने उनकी जान बचाई है, चाहे वो डायरेक्ट सीओ से बात करनी हो, चाहे जनरल तक बात करनी हो। दिल्ली विपिन रावत तक हम पहुंच गए थे इन चीज़ों के लिए, और विपिन रावत साहब चाहते थे कि 10,000 सिविल सहायक भर्ती होंगे, लेकिन उनका हादसा हुआ या उन्हें मरा दिया गया, और उसके बाद ये अग्निवीर योजना, ये सिविल सहायक वाली सब पे थोपती की, सबको अग्निवीर बना दिया गया कि सबको गुलाम बनाकर रखो। कब तक एक गुलामी की एक वर्दी शेर बनाती है, लेकिन ये अफसर आपको हिजड़ा बना देते हैं उस वर्दी में, ऐसे ऐसे नियम आपके ऊपर थोप देते हैं, दबा कर रखने वाले बोल देंगे ना नीम के पेड़ को पीपल, तो पीपल बोल देते हैं, वो सैनिक क्या करेंगे, इतने कायर भी मत बनो, कम से कम सच्चाई के लिए लड़ो। और फिर अच्छे जो अधिकारी, मैं फिर कहता हूँ कि सारे खराब नहीं है, अगर सारे खराब होते तो आज तक पता नहीं क्या हो जाता, बहुत अच्छे फोर्स में अधिकारी हैं, लेकिन ये बातें वहाँ तक पहुँचे तो वो पहुँचेंगे कब, जब आप इन वीडियो को शेयर करोगे। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, आपके ऊपर दबाव है किसी और के थ्रू सिविल में जहाँ भी, तो ये वीडियो प्रधानमंत्री जी तक, रक्षा मंत्री जी तक और बड़े सेना के अधिकारियों तक पहुंचना चाहिए। किसी का जमीर तो जिंदा होगा जो इस पर CBI इंक्वायरी बैठे और उस सीओ को और उसकी मैडम को सलाखों के पीछे पहुंचाए, या फिर कम से कम दोबारा किसी के साथ ना हो। और मैं बार बार यही निवेदन करूंगा कि सहायक प्रथा बहुत बड़ी बीमारी है हमारी सेना पर। मैं फिर कह रहा हूं कि हजारों जवान इसकी बलि चढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार इस पर गौर करके देखें, जिस ब्रिटिश काल में 200 देश गुलाम थे, उस 200 देशों में लगभग सब में ये समाप्त हो चुकी है। ब्रिटिश ने खुद ये बंद कर दी है, ब्रिटिश सेना में नहीं है, यहाँ तक कि ब्रिटिश के जो यहाँ अफसर थे या यहाँ अधिकारी थे, वहाँ जाकर उनको दोबारा पद नहीं दिया गया, क्योंकि उनको इस तरह की आदतें पड़ गई थी यहाँ गुलामी में गुलामी करवाने की, और ब्रिटिश ने वहाँ जाकर उनको हटा दिया कि नहीं तुम उस देश पर गुलाम करके आए हो और देशवासियों को भला नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ ना वो कानून बदली करना चाहते, और अभी भी ब्रिटिश अधिकारी अपने आप को काले अंग्रेज मान रहे हैं। अगर ये मोदी जी जो आप ठीक है नाम चेंज कर रहे हो, इंडिया का भारत बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तान या भारत होना चाहिए, लेकिन नाम के साथ साथ काम चेंज करो।
लाल बत्ती तो आपने हटा दी, लेकिन इनके दिमाग में अभी भी लाल बत्ती है, अभी भी ये 10-10 लोगों को अपने घरों में इसी तरह काम कराते हैं। मैंने पहले भी कहा था आज भी कि हिंदुस्तान की 50% सेना सिर्फ इन्हीं के सहायक प्रथा में, इनके वेटरगिरी में, इनकी अय्याशी में लगी हुई है। अगर वो तब तक बंद नहीं होगी, आप बुलाओ ना जवानों का सम्मेलन और पूछो वहाँ हर रिटायर्ड सैनिक को एक बार आप अपने यहाँ बुला लो। लेकिन आपको भी पता नहीं क्या नशा चढ़ा हुआ है। खैर छोड़ो, मैं चाहता हूँ आज इस वीडियो को देखें, शेयर करें और इस जवान के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इनके घर परिवार को इस सदमे से उभरने की शक्ति दे। हालांकि एक तो इकलौता बेटा था, इनके परिवार की बद्दुआ तो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, ये तो मुझे भी पता है। कोई नहीं तो ऊपर वाला जरूर इनको सजा देगा। लेकिन फिर मैं अपने सैनिकों को कहना चाहता हूँ कि आप भी चंद रुपये के पीछे मत भागो, इस बीमारी को ख़त्म करो, नहीं तो फिर किसी दिन आपका भाई, आपका बच्चा, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार इस उसमें पड़ेगा ना, तब फिर रविंद्र फौजी को फ़ोन करोगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।